एयर है वो गुरु है, और जो वाटर है वो पिता है, और अर्थ इज़ आवर मदर एंड वी शुड प्रोटेक्ट इट। वेलकम मैसेज है, अमृतसर सिफ्तिदा कर। अमृतसर एक ब्यूटीफुल सिटी है जिसमें हर तरह का, जिसको कहते हैं ना एडजेक्टिव हम उसमें डालें तो वो भी कम है। हमारा एक बड़ा प्यारा सोलफुल सा सिटी है। So I'm really happy that, you know, step by step we're taking many measures to make Amritsar a beautiful city. गुरुनगरी अमृतसर नूं सिफ्ती दा घर कहा जाता है। तो अमृतसर सिफ्ती दे घर दी अज तुहानूं एक अलग पछाण दिखा रहे हैं। तो असी इस वक्त अमृतसर दे गोल्डन गेट दे बाहर खड़े हाँ। तो तुसी देखो कि यह जरा गोल्डन गेट है, जो सब तो ज़्यादा अमृतसर का मशहूर गेट है, जो कि वेलकम गेट भी मनिया जाता है। तो जो तुम अमृतसर से आओगे तो सब तो पहला तुम जो गोल्डन गेट पर हो तो उस दे नाल ही तुहानूं अमृतसर सिफ्ती दे घर का यह एक खूबसूरत वेलकम जरा जरा है तुहानूं इत्थे बोर्ड नज़र आएगा। तो इस बोर्ड के रात को लाइटिंग भी होएगी, तो जी आयां नूं जरा है किया जा रहा है। तो इस दे नाल नाल एक छोटा जा एक वातावरण बचाने का जरा सुनेहा है दिता जा रहा है। तो तुसीं देख सकते हो कि अमृतसर जरा है अपने आप दे विच दुनिया भर के पछाण रखता है। तो उस दे विच हुण सिफ्ती दे घर अमृतसर नूं एक होर जगह के उत्ते डिस्प्ले किया गया है। तस्वीर तुहानूं असीं दिखा रहे हैं। तो उसके नाल नाल लिखा गया है पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। तो ये गुरबाणी के संदेश ने, तो जिदे पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत का सुनेहा दिता गया है, जिथे च कि धरती बचाने का सुनेहा दिता गया है, पानी बचाने का सुनेहा दिता गया है, तो नाल ही वातावरण बचाने का सुनेहा दिता गया है। जिस करके इत्थे तुसी वेखो एक छोटा जिहा बाग बनाया गया है ता कि जिहड़े लोग आण तां उहनां नूं एक चंगा वेलकम दिख सके। तो इसदे नाल नाल तुसी देख सकते हो कि पेड़ों के पंछियों के छोटे छोटे आलने बनाए गए हैं, ताकि वो पंछी जड़े ने इस साडे समाज का एक हिस्सा ने, क्योंकि उन्होंने तो बिना साडी सृष्टि नहीं चल सकती। तो इस करके उन्होंने एक आलने भी बनाए गए हैं, एक छोटा जिहा आइलैंड इत्थे बनाया गया है, ताकि जीव जंतु के नाल नाल जरा इंसानों एक सुनेहा दिता जाए। तो ये अज एक चंगी पहलकदमी जी है अमृतसर के फिक्की फ्लो वालों की गई है। तो इस जरा है लोगों जरा सुनेहा दिता गया नाल नाल एक बार फिर दिखाने पवन गुरु। तुसी देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल जी इत्थे बाणी दे विच जिस तरह कहा जाए पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो ये सुनेहा जरा है इत्थे दिता गया है। तो उस दे विच किस तरीके दे नाल इहनूं लिखाया गया है, ते नाल आइलैंड भी इत्थे तैयार किया गया। तो बिल्कुल तुसी वेखो गोल्डन गेट जदों तुसी अमृतसर दे विच आंदे हो, अमृतसर आने तो पहला अगर तुहानू ऐसा एक वॉर्म वेलकम भी दिता जाएगा। ठीक है, अमृतसर फिक्की फ्लो वालों से उन्होंने गलबात करते हैं। मैम की कहना चाहोगे अज इत्थे जिहड़ा शुरुआत की गई है, क्या मकसद है जी उसका? आज का ये जो श्लोक हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, ये गुरबानी में से है, गुरु नानक देव जी की, श्री गुरु नानक देव जी की गुरबानी में से। और ये बताता है कि जो एयर है वो गुरु है, और जो वाटर है वो पिता है, और अर्थ इज़ आवर मदर एंड वी शुड प्रोटेक्ट इट। एंड उसकी यू नो एक अवेयरनेस लाने के लिए ये यहाँ पे आज हमने इसको इंस्टॉल करवाया है। एंड जो लोग अमृतसर एंटर हो रहे हैं उनके लिए एक वेलकम मैसेज है, अमृतसर सिफ्ती दा कर। अमृतसर एक ब्यूटीफुल सिटी है जिसमें हर तरह का, जिसको कहते हैं ना एडजेक्टिव हम उसमें डालें तो वो भी कम है। हमारा एक बड़ा प्यारा सोलफुल सा सिटी है अमृतसर सिफ्ती दा कर। एंड जी आया नू अ वेलकम फ्रॉम फिकी फ्लो अमृतसर इन एसोसिएशन विद कोक। कोक इज़ अ बिग यू नो सपोर्टर। आइलैंड जो बनाया गया है ये क्या है? हाँ जी, ये आइलैंड है, इसमें प्लांटेशन है एंड इसमें बर्ड बाथ्स हैं। एंड सी आप अभी सर भी प्लांटेशन कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यू नो आर इकोसिस्टम, सो इट पोर्ट्रेज दैट। थैंक यू जी। तो वेख सकते हो सारे होर भी मैंबर मौजूद ने। मैम की कहना चाहोगे? मैम की कहना चाहोगे अज शुरुआत की, चंगी शुरुआत की है, की कहना चाहोगे? हाँ जी, आज मुझे फिर से बहुत खुशी है कि हमारे फिकी फ्लो अमृतसर जो हमेशा एनवायरनमेंट के लिए और अमृतसर सिटी के लिए इतना कुछ करते हैं, आज कोक की सहायता के साथ, स्पॉन्सरशिप के साथ उन्होंने ये ब्यूटीफुल चौक तो नहीं बोल सकती इसको, लाइक अ लिटिल लैंडमार्क दे हैव मेड, वेलकम लैंड, एंड इट्स द एंट्री टू आवर ब्यूटीफुल अमृतसर सिटी एंड दिस विल बी वेल मेंटेन्ड बाय फ्लो एंड बाय कोक।
So I'm really happy that, you know, step by step we're taking many measures to make Amritsar a beautiful city. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿੱਕੀ ਵਾਲੇ ਕੋਕ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਐਨੀ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਣ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ, ਯੂ ਨੋ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਲਸੋ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੰਦ ਹਨ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਵਨ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਲੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।